इंदौर में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला अस्पताल के सामने सड़क पर कचरा डालने के लिए लगी लिटरबिन में दो जुड़वा बच्चों के शव मिले। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों नवजात शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र का है, जहां रोज की तरह सड़क पर लगे डस्टबिन से कचरा लेने निगम कर्मी पहुंचे, लेकिन डस्टबिन के अंदर से दो नवजात शिशुओं के शव मिले, जिसके बाद निगम कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची चंद्रनगर पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में उस अज्ञात की तलाश की जा रही है, जिसने रात के अंधेरे में दोनों बच्चों के शवों को डस्टबिन में फेंका था। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो जिला अस्पताल चंद्रनगर है, वहां पर सामने डस्टबिन पर सड़क के किनारे थैली में कुछ भ्रूण पड़े हुए हैं, अज्ञात शिशु पड़े हुए हैं। उस पर मौके पर पुलिस गई थी और दोनों भ्रूण को रिकवर किया है। संभावना यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा ये भ्रूण अवॉर्ड कराकर डस्टबिन में फेंके गए हैं, उनको रिकवर करा के पीएम कराया जा रहा है और मर कायम कर लिया गया है। अभी प्रारंभिक स्थिति में है, सीसीटीवी चेक कराए जाते हैं, जो भी होगा बेगूसराय में आएगा सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।